वर्ष 2017 में हुई हत्या के आरोपी रॉकी पारदी को गिरफ्तार किया। आज एसपी कार्यालय में प्रेस वार्ता के माध्यम से रॉकी पारदी को मीडिया के सामने लाया गया। रॉकी पारदी पर 15,000 रुपए का इनाम था। वहीं उसके साथ सलीम पारदी को भी गिरफ्तार किया गया है। रॉकी पारदी वर्ष 2017 में एक पक्ष की हत्या करके फरार हो गया था। वहीं मुखबिर की सूचना पर धरनावदा पुलिस द्वारा उसको पकड़ा गया। आज प्रेस वार्ता के माध्यम से उक्त आरोपी को मीडिया के सामने लाया गया। पुलिस द्वारा जो है वो अभी दो आरोपी पकड़े हैं। इसमें एक रॉकी पारदी और एक सलीम पारदी, ये दो व्यक्ति थे। 2017 में एक घटनाक्रम हुआ था जिसके अंदर रॉकी पारदी करके जो आरोपी है उसने सामने वाले पक्ष के सिर में गोली मार के हत्या कर दी गई थी। और इसके ऊपर जो है इसके अलावा भी और भी कई मामले हैं जो उसी तारतम्य में ये 15,000 का इनामी भी था। अभी हमारी जो टीम थी धरनावर थाना प्रभारी नीरज बिल्थरे के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई थी जिसके अंदर इसकी लोकेशन जो है वो धरनावर थाना क्षेत्र के आसपास में आने पर इसको तत्काल जो है वो हमने राउंडअप कर लिया है। साथ साथ में इसके साथ एक सलीम पारदी जो है उसको भी अरेस्ट किया है जो कि 5,000 का इनामी भी था। तो दोनों को हम लोगों ने राउंडअप कर लिया है और दोनों की गिरफ्तारी करके इसको पेश किया है। इनकी तरफ से एक पेपर भी मिला हुआ है, बंदूक मिली हुई है और साथ साथ में इन्होंने जो गाड़ी पे ये भाग रहे थे राउंड अप करते वक्त वो गाड़ी भी मिली है। तो दोनों जो है पुलिस ने जब्त कर ली है।